नमस्कार और स्वागत है आपका ओपेरिनिस्टिक में। आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। आज हमारा ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, जैसे कि रिलीजन, हाउसिंग, सिटी प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह वगैरह। यदि आपने उस पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो कृपया उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे ज्वेलरी और क्लोथिंग के बारे में। तो हम पिछले पार्ट में भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो काफ़ी स्टाइलिश थे, और न सिर्फ स्टाइलिश थे बल्कि अच्छे डिज़ाइनर क्लोथ्स भी पहनते थे, अच्छे डिज़ाइनर गहने भी पहनते थे, ज्वेलरी भी पहनते थे। ये आप दो फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। तो ये वाला जो हो गया, ये इस तरह से ज्वेलरीज काफ़ी कुछ मिली हुई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये प्रूफ होती है कि बहुत अच्छे कपड़े और बहुत अच्छी ज्वेलरी के बहुत ही शौकीन थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। और कॉटन ग्रो करने वाले, कॉटन की कृषि करने वाले दुनिया के सबसे पहले लोग थे। दुनिया की किसी भी सभ्यता में सबसे पहले कॉटन की कृषि, कपास की कृषि करने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। कुछ लोग क्लीन शेवन भी रहना पसंद करते थे, ऐसा भी जांच में पता चला है। और वुमन जो थी वहाँ की, वो अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल रखना पसंद करते थे। हड़प्पन्स वेयर फर्स्ट टू ग्रो कॉटन। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि कॉटन उगाने वाले दुनिया के पहले लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, किसी भी एग्जामिनेशन के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले कपड़ों में बटन्स का इस्तेमाल करने वाले भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पहले थे। तो ये जो सेकंड फोटो है, इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये बटन जैसे चीज़ें हैं, ये कपड़ों में लगाए जाते थे। तो बटन्स का इस्तेमाल करने वाले भी पहले लोग थे। दे ऑल्सो यूज्ड द अर्लीस्ट नोन बटन्स। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बैंगल्स, बेल्ट्स, पेंडेंट्स, नेकलेसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग तरह की ज्वेलरी जो थी वो बहुत ही कॉमन थी। टैटूज बहुत, गुदना गुदवाने का बहुत ज़्यादा शौक था लोगों को, तो टैटूज बहुत ही पॉपुलर हुआ करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी बनाने के लिए। तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, उस जमाने में आयरन जो था वो डिस्कवर नहीं हुआ था, आयरन काफ़ी बाद में आया उसके, लेकिन गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनका इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए काफ़ी होता था। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें यदि, तो सबसे पहले तो ये फोटोग्राफ देख लीजिए। ये डांसिंग गर्ल है जो कि मोहनजोदारो से मिला था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मूर्ति है जो कि उस सिविलाइजेशन से मिली और आपको बहुत बार देखने को मिलेगी, और ये एक तरह से उस सिविलाइजेशन का सिंबल बन के रह गया है। और आज के ज़माने में ये उस ज़माने को का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्राफ्ट जो थे उसमें स्टोन्स का, टेराकोटा का, कॉपर, बोन्स का, गोल्ड और सिल्वर का भी इस्तेमाल काफ़ी कुछ होता था। जहाँ तक ये बोन्स की बात मैंने कही, तो बोन्स जो थे वो काफ़ी प्रेशियस माने जाते थे उस ज़माने में। तो जानवरों के जो हड्डियाँ थी उनका भी इस्तेमाल किया जाता था क्राफ्ट वर्क बनाने के लिए। डांसिंग गर्ल मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ये ब्रॉन्ज का बना हुआ डांसिंग गर्ल इमेज है। मेड ऑफ ब्रॉन्ज 2300 BC हैज़ बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। तो 2300 ईसा पूर्व में मोहनजोदारो में ये मूर्ति बनी होगी और अब जाके ये मिली है। लॉन्ग वुडन साइन बोर्ड इज़ फाउंड एट धोलावीरा। धोलावीरा में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ऐसा समझने में आती है कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही अच्छा रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जिनमें से एक चीज़ ये भी है कि वुडन साइन बोर्ड, साइन बोर्ड यानी कि वो लोगों को रास्ता दिखाने के लिए हो सकता है, कोई चीज़ यहाँ पे है जैसे सो एंड सो दुकान है, सो एंड सो महल है, वो बताने के लिए हो सकता है। लेकिन इस तरह के साइन बोर्ड्स का भी इस्तेमाल होता था ऐसा इस चीज़ से पता चलता है। पेंटिंग्स जो थे वो कई कई स्थानों पे बनाए जाते थे, दीवारों पे भी बनाए जाते थे, पॉट्स पे, मटकों पे, यूटेंसिल्स पे, तो बहुत सारी चीज़ों पे पेंटिंग्स बना दिए जाते थे। घरेलू काम आने वाली चीज़ों पे भी बना दिए जाते थे, दीवारों पे तो ख़ास तौर से पेंटिंग्स बनाए जाते थे। तो पेंटिंग्स भी बहुत ज़्यादा उस ज़माने में बनाने का लोगों को शौक था। गवर्नेंस की बात करें तो
सबसे पहले यहां पर हम लोगों को वित्त फाइनेंस की बात करनी पड़ेगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बार्टर सिस्टम यूज होता था, ये तो पक्का है, और प्रोबेबली कोई करेंसी नहीं थी, लगभग लगभग ये बात भी पक्की है। तो बार्टर सिस्टम कैसा होता है, जहाँ पे कोई करेंसी नहीं होती है, आप किसी को पैसा नहीं देते, आप सामान के बदले सामान दे देते हैं। आपको जैसे कोई एक बैल खरीदना है तो उसके बदले में आपने कुछ चावल दे दिया, जैसे आपने 20 किलो चावल दिया, उसके बदले में एक बैल ले लिया। ये इस तरह से जो बार्टर सिस्टम था वो उस जमाने में प्रेवलेंट था, यही चलता था। अभी तक की जितनी भी जांच हुई है और जितना भी सबूत मिले हैं उससे ये तय है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बार्टर सिस्टम चलता था, और इस सिविलाइजेशन में करेंसी नहीं थी, लगभग लगभग ये बात भी तय है। तो सामान दे के सामान लेते थे लोग, लेकिन साथ साथ में स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेशर्स यूज होते थे। मतलब ऐसा नहीं कि 1 किलो का मतलब एक स्थान पे दूसरा है, दूसरे स्थान पे दूसरा है। एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट और मेजरमेंट सिस्टम था, और 16 वाज द स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम, स्टैंडर्ड बेस ऑफ नंबर सिस्टम। ये भी लगभग लगभग पक्की बात है कि जैसे हम लोग अभी जो अपना नंबर सिस्टम यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसका बेस होता है 10। तो हम लोग जैसे 10, 20, 30 या इस तरह के जो हमारे जो यूनिट्स होते हैं बेसिकली, वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम था, यानी कि 16 का बेस था वहाँ पे, जैसे 16, 32, 64 इस तरह करके वो जो इनके मेन यूनिट्स थे। कुछ वेपन्स भी मिले हुए हैं, हालांकि ये तो माना जाना चाहिए कि मुख्य रूप से कृषि और व्यापार, इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस था लोगों का। लड़ाई झगड़ा या ऐसा कोई बड़ा मिलिट्री रही हो, या कोई बड़े राजा रहे हों, कोई बड़ी लड़ाइयाँ हुई हों, इस चीज़ के सबूत अत्यंत कम हैं, और अभी भी कन्फ्यूजन है कि ऐसा था कि नहीं था। लेकिन कुछ वेपन्स जरूर मिले हैं, प्रोबेबली ये वेपन्स का इस्तेमाल लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने घरों में करते रहे होंगे। ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस का कोई सबूत नहीं है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री हो, ऑर्गेनाइज्ड कोई एक आर्मी हो, कुछ बड़े हिंसक घटनाएं हुई हों, कुछ बड़े हत्याकांड हुए हों, ऐसा इस चीज़ का कोई, ऐसा वायलेंस, ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस का कोई सबूत नहीं मिलता। प्रोबेबली देयर वॉज नो मिलिट्री। ठीक है, तो बिजनेसमैन वेर हाईली प्रेस्टिजियस एंड सो वेर फार्मर्स। तो मैंने अभी जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि व्यापार और कृषि, इन दो चीज़ों पर ही लोगों का मुख्य फोकस था, और इन्हीं दो चीज़ों को काम करने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा प्रेस्टीज भी मिलती थी। तो सबसे ज़्यादा इज्जतदार लोग जो समाज के थे वो होते थे किसान और व्यापारी। ट्रेड बहुत अच्छा खासा उस समय उन्नत हो चुका था, और जो इंडस ट्रेड्समैन थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ट्रेड्समैन थे, वो सीरिया, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, सऊदी अरेबिया, इन सब जगहों पे जाते थे, वहाँ से फिर लोग यहाँ आते थे। इस तरह से ट्रेड रिलेशन लोगों के काफ़ी थे। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ज़माना बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी दुनिया के अलग-अलग स्थानों पे ट्रेड होता था। जैसे सीरिया, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, सऊदी अरेबिया, ये पूरा का पूरा जो भारत के जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड वाला बेल्ट है, ये पूरा का पूरा भारत से ट्रेड से जुड़ा हुआ था। लापिस लाजुली, जिसे लाजवर्त भी कहा जाता है, ये फोटोग्राफ में देख लीजिए, एक बहुत ही ये कीमती पत्थर होता है, अ प्रेशियस ब्लू जेमस्टोन, है ना, प्रेशियस ब्लू जेमस्टोन वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान। ये एक बहुत ही कीमती पत्थर था जिसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था नग बनाने के लिए, घरों में लगाने के लिए, सजावट की चीज़ों के लिए, और ये नॉर्मली इसको गले में लोग इसकी माला पहनते थे, इसके मोती बना के, और अंगूठियों वगैरह में नग बना के। तो ये काफ़ी कीमती पत्थर, इसका इम्पोर्ट जो है वो अफगानिस्तान से हुआ करता था उस ज़माने में। तो लापिस लाजुली ये याद रखिएगा, कई बार इसका जिक्र आ जाता है, इसे लाजवर्त भी कहा जाता है, ये अफगानिस्तान से इम्पोर्ट किया जाता था। कुछ प्रेशियस शेल्स भी थे जो अरेबियन सी से इम्पोर्ट किए जाते थे, हिमालयन रीजन से टिम्बर आता था। टिम्बर एक बहुत ही कीमती लकड़ी होती है जो कि हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों से आता था।
गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता था, गोल्ड और सिल्वर, और ये सेंट्रल एशिया से, ईरान और इसके आसपास के क्षेत्रों से ये इंपोर्ट किया जाता था। राजस्थान के क्षेत्रों से कॉपर वहाँ पे मिलता था, वहाँ से माइनिंग होती थी इसकी, और गुजरात में भी कॉपर की माइनिंग होती थी। तो अलग-अलग क्षेत्रों से सामान मंगा के और इस तरह से ज़रूरतें पूरी की जाती थी। ट्रेड काफ़ी उन्नत अवस्था में था। इंडस ट्रेडर्स के अच्छे रिलेशंस थे मेसोपोटामियन ट्रेडर्स के साथ। तब तो मेसोपोटामिया जो ग्रीस और आसपास का क्षेत्र था, जहाँ पे ये पूरा का पूरा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जन्मी थी, वहाँ से भी अच्छा खासा ट्रेड हुआ करता था। कुछ रिलेशन, ट्रेड रिलेशन जो है वो मलेशिया, ईरान, बहरीन में भी थे। तो कुल मिला के हम लोग ये मान लें कि जो ट्रेड था वो काफ़ी उन्नत अवस्था में था और विश्व के अलग-अलग जगहों से व्यापार होता था। एग्रीकल्चर बहुत रिच था एंड कैपिटल वेल्थ वाज गुड। तो लोगों के पास पैसा भी था, वो अपने ट्रेड कर सकते थे, अपने व्यापार खुद करते भी थे, कृषि में भी लगाते थे। तो इस तरह से कुल मिला के ये कहा जाए कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो काफ़ी अच्छा था और लोगों की जो मानसिकता थी वो भी काफ़ी ओपन, काफ़ी आज़ाद थी। तो फिर ये सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हो गया? इतना उन्नत सिविलाइजेशन, इतना मॉडर्न सिविलाइजेशन, इतना खुशहाल सिविलाइजेशन, ये अचानक से समाप्त कैसे हो गया? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई, लेकिन आज भी श्योर नहीं कहा जा सकता कि ये सिविलाइजेशन ख़त्म क्यों हो गई। लेकिन ये सिविलाइजेशन 1900 से लेके 1700 BC के बीच में अबेंडन हो गई। दिस सिविलाइजेशन वॉज एबेंडन्ड बिटवीन 1900 एंड 1700 BC। तो 1900 से लेके 1700 ईसा पूर्व के बीच में ये सिविलाइजेशन समाप्त हो गई। ये काफ़ी बड़ी सिविलाइजेशन थी। इतनी जल्दी इन 200 वर्षों के अंतराल में ये किस तरह से समाप्त हुई, क्या हुआ जिसके कारण ये धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन समाप्त हुई, ये श्योर नहीं कहा जा सकता। इट इज़ नॉट श्योर वाई, मे बी ड्यू टू सम नेचुरल कैलामिटीज, कुछ प्राकृतिक आपदा हुई होगी। अधिकतर इतिहासकारों का, अधिकतर वैज्ञानिकों का ये कहना है कि कुछ प्राकृतिक आपदा हुई जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन समाप्त हो गई। तब ये प्राकृतिक आपदा कुछ भी हो सकती है, कोई बड़ा भूकंप हो सकता है, कोई बड़ी बाढ़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई, ये आपदा इतनी बड़ी थी। इट इज़ ऑल्सो आर्ग्यूड दैट सेंट्रल एशियंस और यूरोपियंस इन्वेडेड द सिविलाइजेशन। ये एक थ्योरी है, मैं अभी जिस चीज़ की बात करने वाला हूँ ये एक थ्योरी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। कुछ इतिहासकार इसे मानते हैं कि ये ऐसा था, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, आर्यन इन्वेजन थ्योरी जैसी कोई भी चीज़ है ही नहीं, आर्यन इन्वेजन हुआ ही नहीं। तो कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं, उनके अपने तर्क हैं, जो नहीं मानते हैं उनके अपने तर्क हैं। मैं इसके पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ऐसा आर्ग्यू किया जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी चर्चा की जाती है कि ये सिविलाइजेशन को ख़त्म करने में सेंट्रल एशियंस का या यूरोपियंस का हाथ था, जो कि यहाँ पे आए, उन्होंने आक्रमण किया और इस सिविलाइजेशन को समाप्त किया। हालांकि इस चीज़ के कोई प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरी है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। दो पार्ट में हम लोगों ने इसको समाप्त किया है। आपने पार्ट 1 भी देखा होगा, पार्ट 2 भी देखा होगा। इन दोनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दी गई है। फिर भी यदि आपके पास कोई सवाल हो, आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुलाकात होगी एक बार फिर से अगले एपिसोड में। नमस्कार।